नो, सैतालीस हजार बोल रहे, 50,000 रख यार, लेकिन ये 50,000 भी नहीं रख रहा। और एक सूप टाइप का दे दिया, और इन अंकल जी के थाली में देखोगे तो ये कुछ कीड़े टाइप के रखे हुए, और $1 उसको डॉलर ही चाहिए यार, why are you taking $20 $20 ए भाई, बड़ा बहुत हरेस कर रहा है ये, थाईलैंड मनी 200 मत। बिल्डिंग्स चेक करो यहाँ पर, कितनी तगड़ी तगड़ी है यार, 250 डॉगा आंटी जी यहाँ पर फूल बेच रही है साइकिल पे, 30,000। Hey guys, very good morning. So, अभी हम लोग हैं हनोई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, ये कैपिटल सिटी है वियतनाम की, और यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो सेम टू सेम अपनी दिल्ली के मेट्रो जैसा लग रहा है, इतना ज़्यादा छोटा है। जैसे अपने दिल्ली में मेट्रो चलती है, सेम टू सेम डिट्टो मेट्रो ही है, मतलब मेट्रो जैसा ही है पूरा का पूरा सीन यहाँ पर। अभी मैं फर्स्ट टाइम साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ट्रैवल करने के लिए आया हूँ, और भाई एकदम से अलग फील आ रहा है, क्योंकि साउथ एशिया के अंदर जो ट्रैवल करते हैं ना, वो थोड़ा सा काइंड ऑफ सिमिलर रहता है, अपना इंडिया से मिलता जुलता रहता है वहाँ पर ट्रैवल, बट यहाँ पर थोड़ा सा हमको डिफरेंट देखने को मिलेगा सारा का सारा सीन। और अभी मैं यहाँ से है एयरपोर्ट से, आपको सबसे चीपेस्ट वे बताऊँ तो आप बस ले सकते हो, यहाँ पर ग्रैब वाले मांग रहे हैं 3,00,000-3,50,000 रुपये, तो बहुत महंगा है। और अगर टैक्सी करते हो बाइक वाली, तो बाइक वाली टैक्सी भी आपको मिल जाएगी, लेकिन वो थोड़ी सस्ती मिलेगी, जैसे 1.5 लाख के आसपास मिलेगी। बाकी ऐसा कुछ अभी यहाँ से सीन है, सेम देखोगे अगर तो पूरा मस्त दिख रहा है। और डोंग यहाँ पर तगड़े चलते हैं, 2,000 इंडियन रुपीज ऑलमोस्ट अपने हो जाते हैं, 6,00,000 वियतनामीज डोंग के आसपास पहुँच जाता है। तो हनोई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुछ बाहर से ऐसा दिखता है, काफ़ी सुंदर लग रहा है यार बाहर से तो, और धूप भी निकलाई, और मैंने इसलिए अपनी जो है जैकेट जो पहनी थी वो उतार दी, क्योंकि ना अंदर जो एयरपोर्ट था उधर इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि मतलब हद थी ना। और आपको मैं ना यहाँ की करेंसी दिखाता हूँ, मेरे को लगा मेरी करेंसी उड़ गई। तो ये ना वियतनाम के अंदर डोंग चलते हैं, ये 2,00,000 का नोट है, आप सोचो यहाँ पर लाखों में खेल रहे हैं, ये 2,00,000 का, ये 20,000 का, ये 10,000 का डोंग का कुछ नोट ऐसा दिखता है, नोट बहुत कड़कड़े हैं, ये 5,000 का है, और ये हमको मिले हैं 23,500 डोंग मिले हैं, अपना कितने रुपए मिले, $1 का अपन को 23,500 मिला है, 23,500 के लगभग मिला है, तो $10 करवाए हैं हमने, तो 2,00,000 कितना मिला, 2,50,000, तो काफ़ी ठीक रेट मिल गया। और ये साथ में इधर हाईवे वगैरह आ गया कुछ एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में, और यहाँ पर मेरे को एक चीज़ का बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगा कि यहाँ पर है जो बिल्कुल भी ना सिक्योरिटी नहीं है अंदर, जैसे अपने इंडिया के अंदर जैसे अपने सिक्योरिटी वगैरह काफ़ी टाइट रहती है, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी है ही नहीं है, ना कोई गार्ड है ना कुछ है, एयरपोर्ट के अंदर जब मर्जी हम लोग एंटर कर सकते हैं, जब मन करे तब जा सकते हैं दोबारा से, 2-3 बार हमने एग्जिट करके एंट्री कर ली, नॉर्मल है इधर की साइड सिस्टम, बढ़िया है। और अभी बस नंबर 58 है जो कि आपको 9,000 डोंग के अंदर छोड़ देती है, उसके लिए थोड़ा चलना पड़ेगा, एक तो इधर इतने सारे फ्लाईओवर हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना कि किधर को जाना है, क्योंकि कन्फ्यूज़न इतनी हो रही है, नक्शे के अंदर दिखा तो सही रहा है लेकिन हमको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि यहाँ से ऐसे सर्कल है, वो उधर जाना है, इधर जाना है, कुछ मतलब थोड़ा सा ना डिफरेंट सा ही लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा इसके अंदर हमको, मतलब मेरे को अभी एक बार और मैप देखना पड़ेगा, उसके बाद ही समझ में आएगा, क्योंकि जो है इसमें एक फ्लाईओवर वो है, रोड है, फिर फ्लाईओवर है, इधर दो फ्लाईओवर इधर जा रहे हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट सा है। ये श्रीलंका जैसा नहीं है, जैसे मैं श्रीलंका नहीं गया था, श्रीलंका में थोड़ा अच्छा था सिस्टम, इसमें फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर है। तो ये दिखाया मैंने आपको ये वाली करेंसी, और अभी हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ हनोई सिटी, वियतनाम कंट्री का फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहता है। फर्स्ट इंप्रेशन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर ना गर्मी से लतबतर हो गए, इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है, अभी तो मन कर रहा है कि नहाना है, जाके रूम लेना है, और रूम का कुछ आइडिया नहीं है कैसे है, वैसे तो हॉस्टल बुक कराया मैंने, हॉस्टल के अंदर कैसा कैसा सीन रहता है वो भी देखेंगे। बाकी 950-950 रुपये के अंदर हमको, मेरे को 3 दिन के लिए मिल गया है, फर्स्ट डे के अंदर हमने वियतनाम के अंदर है ना इतनी बड़ी गाड़ी सिर्फ 15,000, मतलब कि 15,000 को आप लोग डिवाइड करोगे ना, मैं नीचे लिख दूंगा, 15,000 डोंग के अंदर हमने लिया, 2 जानों का 30,000 डोंग दे रहे हैं, जितना बस में दे रहे हैं उतना ही। और गाड़ी देख रहे हो क्या तगड़ी गाड़ी आई है, इसके अंदर भाई तगड़े से बैठ के जाएंगे, एक नंबर बस, ये देखो या हाँ यस माय फ्रेंड, बैग बैग, ओ टाइम मैंने ये स्टॉप व्हाई नॉट वीडियोस, ओके ओके। सो भाई अभी हम इसके अंदर बैठते हैं और निकलते हैं यहाँ से, 15,000 डोंग ले रहा है, सिटी सेंटर 22 किलोमीटर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 70-70 रुपए के आसपास है। ओके चलते, तो नो इनसाइड, माय सेल्फ
भाई साहब वीडियो के लिए मना कर रहे थे अंदर, बट हम यार ऐसे कैसे यार, वीडियो तो हम अपनी बना रहे हैं। वही 15,000 डॉम के अंदर हम लोग जा रहे हैं, मतलब पर पर्सन का 15,000 दे रहे हैं। और ठीक है तो मतलब मजे आ रहे हैं। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? इंडिया में हम लोग जैसे जाते नहीं है बस वगैरह से बार्गेन करके, वैसे ये बंदा जा रहा था सिटी, इसको काम है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, भाई साहब 1, 2, 3 भी आती है। नमस्कार भाई को 1, 2, 3 आती है हिंदी में। हेलो भाई कैसे हो, ये सब कुछ बोल लेते हैं हिंदी के अंदर। उनको लगता है यहाँ पर इंडियन ज्यादा आते हैं ना, और एयरपोर्ट पे भी काफी इंडियंस थे। यस, बहुत इंडियंस आते हैं, और मेरे को लगा था यहाँ पर काफी कम ट्रेवलर्स आते होंगे क्योंकि ज्यादातर थाईलैंड में जाते होंगे, बट यहाँ पर है जो इंडिया से काफी टूरिस्ट आते हैं। और 15,000 होता है, स्क्रीन पे लिख रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट 15,000 कितना अपन उस टाइम देखा था, 69 कुछ ऐसा हो रहा था, 70 रुपए हो रहा है। और आपको उतने में कहाँ पर ही ऐसे कोई कार के अंदर लेके जाएगा ना, इसको बंदे को मजबूरी है, इसको सिटी में जाना था तो इसने सोचा कि चलो इनको भी ले चलते हैं, थोड़ा हमारा भी फायदा हो जाएगा, तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा, दोनों का फायदा हो गया। और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ से हम लोग अभी निकल रहे हैं। Then why buy you first? You not buy me for to here. Same the Vietnam down. नहीं आ रही यार. You understand? Brother. Yes. Listen. What's your problem? Problem la. You know have Vietnam down. Bro. Excuse me, bro. So you take na. You have Thailand money. अरे yes, यार क्या कर रहा है वो है. How much Thailand money? How much you have? I see. What's your price? But Thailand money, right? Oh, okay. Don't worry. You just open the door. We can go by what? Sorry, Thailand money, okay. What's your price? Thailand money. 200 baht. Okay. Then 200. Sorry. 400 rupees. थाईलैंड में नहीं ओके भाई, अभी हम लोग ऐसे गाड़ी में जा रहे हैं, ये बंदा डॉलर मांग रहा है मेरे से, कह रहा है डॉलर दे दो। अभी मेरे को उस पर डाउट हो रहा है क्योंकि हमने ग्रैब तो करी नहीं है, वैसे ही नॉर्मल वाली टैक्सी में चढ़ गए हैं, दिमाग खाने में लगा हुआ है। तो ये है, तो क्या करने का, अभी इसी में जाना है क्या, निकलना है? हाँ ब्रदर, यू जस्ट ड्रॉप अस, आई डोंट वॉन्ट टू गो विथ यू, यू जस्ट ड्रॉप, यू कैन टेक 10, इसको 10,000 दो, काम खत्म। बहुत टाइम हो गया यार, ये बिना मतलब में दिमाग का दही करने में लगा हुआ है। आई कलेक्ट मनी। अरे यार इसको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई कलेक्ट मनी, आई हैव दुबई मनी, हांगकांग मनी, थाईलैंड मनी, सिंगापुर मनी। ब्रदर, इफ यू कलेक्ट मनी यू शुड गो टू द फॉरेनर्स। नंबर 20 व्हाट, थाईलैंड मनी ओके, नंबर 20। आई डोंट हैव चेंज 100। I don't have वो भाई को ऐसे ही लगे हुए हैं करने के लिए। लोग ये पैसों का खेल चल रहा है, उसने पर्स रख दिया है। No. I give my money here. No. But why you want to see our money? No, number 20. Number 20. I don't have all. भाई इसके साथ हमारी बात हुई थी 30,000 के अंदर, 30,000 डॉन के अंदर, अभी ये ऐसे ही मतलब घुमा फिरा। आई एम मेकिंग माई वीडियो नॉट योर, सॉरी। उसने अपने अपनी मनी इधर रख दी है और हमारी मनी को खुलवा खुलवा के देख रहा है डॉलर। इस पर डाउट हो रहा है, आई डोंट नो, आई हैव ओनली 100 बात। अरे उसको डॉलर चाहिए, हमको छोड़ दे तो सही रहेगा। ब्रदर यू जस्ट ड्रॉप अस, ओके, यू शुड टेक 10,000, यू जस्ट ड्रॉप अस, वी डोंट वॉन्ट टू गो विथ यू, सॉरी रही, माई मनी हियर, नो, आई डोंट वॉन्ट, वियतनाम डाउन है 50 रे, वियतनाम डाउन है 10,000 वी आर गिविंग यू ना, वियतनाम डाउन मनी, हाउ मच, वियतनाम डाउन है, अरे नंबर 50 नहीं लग रहा है, वी आर गिविंग यू 30,000, आई एम मेकिंग माई वीडियो, आई एम मेकिंग माई वीडियो, व्हाई आर यू शाउटिंग एट मी, व्हाई आर यू हैरेसिंग मी, why are you harassing me? We are giving you 30,000. We deal with you 30,000. What? More? Not enough. 17 ma. अरे यार इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रही। आ रुको, give. इसको 10,000 दो, निकलो इधर से. 17. Okay. अरे यार इसको दे तो रहे हैं, ये फिर भी नहीं मान रहा। नहीं ले। इससे 47,000 हम इसको बोल रहे हैं, 50,000 रह गया। लेकिन ये 50,000 भी नहीं रख रहा। No, 17. ये बार बार इसमें पर्स में हाथ डालने में लगा हुआ है, दो दो मिनट में। You have $1. No, $1. उसको डॉलर ही चाहिए यार। तो why are you taking dollars? $20 note. I have not $1. ए भाई बड़ा बहुत हरेस कर रहा है ये। You understand? ए नेतागिरी लगा हुआ करने, हम भी मजे ले रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, हमको कौन सा खा जाएगा ये।
वी आर गिविंग यू 50,000 ना, बट वी डोंट हैव डॉलर्स। ले 20, इसको 20 और दो, 20 और दो, 20 40 40, यू जस्ट टेक 40। ओके 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 ओके। हाँ भाई इसमें दिमाग का नहीं कर दिया तो अभी जा रहे हैं, बिकॉज ब्रदर वी इफ वी हैव डॉलर वी कैन गिव यू नो प्रॉब्लम, बट वी हैव बिग मनी। या भाई को उसको अलग अलग लग रहा है। ओके ओके हाँ हाँ ओके, कितना हो गया 20। ओके ओके मनी इन सारी, हाँ हाँ मनी इन साइड। वो कह रहा मनी अंदर रख लो, क्यों तुम्हारे पास 5-5 के तुम्हारे पास है ना, कौन से 5-5 के, एयरपोर्ट 5-5 के तुम्हारे पास है क्या? ओके ओके आए ओके व्हाट ओके 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 मनी मनी इन का नो वीडियो आई एम लुक आई एम मेकिंग आई एम लिप्सन वगैरह। ओ यार उसको समझ में नहीं आ रहा, वो ऐसे ही कर रहा है कि कैमरा उठा के फेंक दूंगा, ये साला कहीं किडनैप करके नहीं दिया जो हमको अलग ही साला लग रहा, कह रहा फोन फेंक दूंगा मैंने, तू फेंक देगा ऐसे जाना तूने। ए यार भाई काम खराब कर रहा है, इसलिए मैं बोल रहा था नहीं जाना चाहिए। अभी उसने बंदा बदल दिया है, मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ वो लैंग्वेज के चक्कर में थोड़ा दिक्कत। कार के अंदर बैठे हैं, 40,000 रुपए दे के पूरी एस ले रहे हैं, और वियतनाम का पहला एक्सपीरियंस। थोड़ा सा पहले वो ड्राइवर के साथ थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, वो भी कंफ्यूजन हो गया था, चलो कोई चलता है, बट थोड़ा हरेस कर रहा था थोड़ा। और अभी हम लोग हैं वियतनाम की खूबसूरत खूबसूरत सड़कों पे, और इसकी सड़कें हैं ना जो कंट्री की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बट इधर की साइड जो वेदर है ना वो थोड़ा सा रेनी टाइप का, मतलब क्लाउडी टाइप का है, यहाँ पर कभी भी बारिश हो सकती है। और इसके अंदर क्या है, जैसे हम लोग क्या है इस साइड से हम लोग आते हैं, मतलब कि जैसे अपन जिस साइड से चलाते हैं गाड़ी ये उल्टी साइड चलाते हैं, जैसे अपने इंडिया में जो है राइट हैंड साइड स्टीयरिंग होता है इनके, जो है अपने राइट हैंड साइड स्टीयरिंग होता है इनके, होता है लेफ्ट हैंड साइड में, और ये राइट हैंड साइड में गाड़ी चलाते हैं, हम लोग चलाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, हमारे चलता है ब्रिटिश वाला, इनके थोड़ा डिफरेंट है। और यहाँ आपको पता हो तो वियतनाम के अंदर बहुत खतरनाक वॉर हुई थी अमेरिका के साथ, और यहाँ पर करोड़ों पता नहीं कितने लोग मरे थे, तो मतलब थोड़ा इनके साथ भी बहुत अत्याचार हुआ है, इनकी कंट्री में लोगों को मारा गया। अभी ये वियतनाम के अंदर ये जो इतने तगड़े तगड़े हमको एक्सप्रेसवे और ये जो है फ्लाईओवर देखने को मिल रहे हैं, अगर हम लोग जैसे साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर 2-3 कंट्रीज हैं जो काफ़ी डेवलप्ड है, मतलब डेवलपिंग हो रही हैं, एक तो है वियतनाम, दूसरी थाईलैंड है, लाओस की रोड्स की कंडीशन बहुत ख़राब है, कंबोडिया भी ठीक ठाक है नॉर्मल है, बट वियतनाम की टक्कर का वो भी नहीं है। तो इस वाले एरिया में वियतनाम थाईलैंड दो सबसे उभरते हुए तारे हैं, और आपको पता हो तो म्यांमार है उसका भी नैया डूब गई है, क्योंकि वहां पर भी कूप हो गया है मिलिट्री कूप, तो उनका भी थोड़ा सा सिस्टम खराब हो रहा है। बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स दिखने लग गई, क्योंकि अभी हम लोग एंटर हो गए हैं हनोई सिटी के अंदर। वैसे एयरपोर्ट यहाँ से 13-22 किलोमीटर के दूरी पर है, मतलब बिल्कुल आउट में बना हुआ है, और ये सिटी यहाँ से शुरू हो गई है, ये इसमें बिल्डिंग्स वगैरह आपको दिख रही होंगी, काफी तगड़ा बना हुआ है। और अभी हम लोग हैं जो रेड रिवर को मे बी पार करेंगे, जो रेड रिवर है वो इधर अभी आएगी, और इधर ना ऐसे स्कूटीज वगैरह का भी काफी ट्रेंड है, ऐसी आपको पूरे कंट्री के अंदर इतनी मिलेगी ना, मतलब कार से भी ज्यादा ये लोग स्कूटी वगैरह चलाना पसंद करते हैं। और अभी यहाँ पर ये आ गई है रेड रिवर, आपको ये दिख रहा होगा इधर की साइड, ये रेड रिवर है खूबसूरत सी, और इस साइड भी देखो इस साइड कैसा व्यू आ रहा है, बिल्डिंग्स चेक करो यहाँ पर कितनी तगड़ी तगड़ी है यार। टैक्सी है जिससे हम लोग आए थे अपने हॉस्टल के लिए, हमारा हॉस्टल है हनोई इको ग्रीन हॉस्टल करके, तो 3 रातों के लिए मैंने अकेले ने बुक किया इसको, पर पर्सन 930 रुपए के अंदर, तो ऐसा कुछ ये हॉस्टल है। अभी इसके अंदर हमने बैग वगैरह जो अपने रख दिए है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी भाई साहब जो है रेडी हो रहे हैं, और फील ना इंडिया वाली आ रही है, पता नहीं क्यों बट थोड़ी अच्छी सी फील आ रही है। थोड़ा सामान वगैरह इधर रख दिया अभी हमने, क्योंकि 2 बजे का यहाँ पर चेक इन है, 2 बजे यहाँ पर हम लोग जो है एंटर कर सकते हैं, मतलब जो भी बंक बेड है, तो इनका अलग सिस्टम चलता है। अभी हम लोग जा रहे हैं सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, और देखते हैं कि क्या डिफरेंस है, मतलब कि इंडिया का और इधर का वियतनाम का सारा देखेंगे। हनोई मतलब एक कल्चरल सिटी है, कल्चरल सिटी ऐसा मतलब मैं बता रहा हूँ, कल्चरल सिटी के अंदर क्या है कि इसमें आपको कल्चर देखने को मिलेगा। वियतनाम के अंदर 2 सबसे बड़ी सिटी हैं, एक तो हो गई इसकी कैपिटल जो कि है अपना हनोई, और दूसरी है इसकी हो ची मिन सिटी जिसको कि साइगोन करके बोल देते हैं। और यहाँ पर आपको कल्चरल सिटी में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है देखो ऐसे अपने जैसे इंडिया में मूर्ति वगैरह बनाते हैं,
जो भी धार्मिक रिलेटेड प्लेसेस मतलब चीज़ें हैं वो सारी ऐसे बेचते हैं, घुंघरू वगैरह सारा मस्त एकदम भरा भरा के ऐसे बेचते हैं। और थोड़ी सी ये ओल्ड और हिस्टोरिकल सिटी है, और हो ची मिन है वो थोड़ी मॉडर्न सिटी है और मोस्ट क्राउडेड सिटी के अंदर वो आता है। तो यहाँ की जो हमारे हॉस्टल के आसपास का एरिया वो कुछ ऐसा, ऐसी छोटी छोटी इधर शॉप बनी हुई है जिसके अंदर हम लोग खा पी सकते हैं। ऐसी ये बाइक्स बहुत चलती हैं जिसको कि हम लोग रेंट पे भी लेने वाले हैं अभी। तो ये देखोगे तो ये भी ऐसे मतलब एंटिक शॉप्स बहुत हैं यहाँ पर। आंटी जी यहाँ पर फूल बेच रही हैं साइकिल पे, साइकिल और स्कूटी का काफ़ी ट्रेंड है। और हाँ, ये जो आपको झंडे दिख रहे हैं ये है वियतनाम का फ्लैग है, एक रेड कलर का फ्लैग बीच में एक स्टार बना हुआ है। इधर अपने इंडिया जैसी मार्केट लगती है लोकल, मतलब सेम टू सेम फील है, इंडिया वाली आ रही है जितना भी, मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि मैं आउट ऑफ इंडिया आ गया हूँ। भीड़ भी वैसी है, बस इधर के थोड़े लोग हैं उनका थोड़ा फेस वगैरह स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और बस ये कुछ आ गया इधर की साइड, मोनेस्ट्री टाइप की है। इसके ऊपर आंटी जी फ्रूट बेचने के लिए आ गई हैं, साइकिल्स वगैरह पे काफी कुछ बेचते हैं, फूल है क्या, तरबूज वगैरह रखे हुए, तरबूज है खाने पीने के लिए। हनोई सिटी में ना लग्जरी कार बहुत है, ये एक निकल गई बेंटली, इसके पहले गई थी उरुस, अभी ये पता नहीं कौन सा ब्रांड है। ऐसे बसेस वगैरह भी चलती हैं सिटी के अंदर, अगर आप लोगों को लोकली ट्रैवल करना है तो 50-60 रुपए लगता है एक राइड का। तो अभी हमको रोड क्रॉस करनी है, बट रोड क्रॉस करने के लिए यहाँ पर इंडिया की तरह मशक्कत करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। अरे भाई ये देखो चालू हो गया ना, अरे वो बंद तब से लाल ही है। शॉप्स वगैरह भी अपनी, ओ इधर गाड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी मतलब बड़ी बड़ी, अपन आए वो गाड़ी उरुस हाँ जिसमें हम आए हैं वो भी अच्छी थी, और 40,000 कुछ भी नहीं होता अगर इंडिया के हिसाब से भी देखें, कुछ भी नहीं होता। 100-150 रुपए में कोई तुमको नहीं छोड़ने वाला। 30 किलोमीटर आए भाई हम, 30 किलोमीटर के लिए मैंने हम दोनों ने मिलके दिए 40,000, जो कि 150 रुपए के आसपास होता। इतने कम पैसे में कोई आपको इंडिया में ना बैठने नहीं देगा गाड़ी में। अच्छा इधर से कपड़े वगैरह भी खरीदेंगे, बट अभी नहीं खरीदेंगे, बाद में खरीदेंगे। इधर की शर्ट शॉपिंग के लिए कितना कुछ है यार, मेड इन वियतनाम, सारा मेड इन वियतनाम है, चाइना का माल नहीं चलता होगा यार। तो अभी हम लोग फुटपाथ के ऊपर चल रहे हैं, फुटपाथ पे भी इंडिया जैसे यहाँ पर कब्जा तो नहीं इसको कहेंगे, ये पार्किंग टाइप का ही है, पार्किंग बना रखी हुई है, पार्किंग इधर ही चलती है इनकी। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है ना भाई, कसम से भाई ही बोल रहे थे कि यार तूने गलत डिसीजन ले लिया वियतनाम जाने का, इतनी ज़्यादा वहाँ पर बारिश हो रही है, इधर बिल्कुल ही अपोजिट हो रहा है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा धूप निकल रही है। अभी सुबह सुबह मार्केट ओपन हुई है, मार्केट ओपन के होने के साथ साथ अभी 8:36 इंडिया का, तो 10 बज गए हैं यहाँ के 10 बजे, इतनी गर्मी लग रही है। और ये देखो बिल्कुल अपने जैसे इंडिया में फुटपाथ पे खाना पीने का सिस्टम रहता है, यहाँ पर एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं यहाँ के बंदे ना, जैसे अपने इंडिया में सुबह सुबह चाय चल रही है, सब कुछ चल रहा है, यहाँ पर है जो ये सब सीन चलता है, यहाँ पर बैठ के स्टिंग पी। और ग्रैब चलती है ऐसे, ये बहुत सस्ती है, 1-1.5 लाख रुपये में आपको 20-30 किलोमीटर छोड़ देती है। वो गोल्ड शॉप आ गई शायद इधर ही, इधर होगी वो, उधर होगी। और ये वाला रिक्शे में भी करना है यार एक बार सफर, जैसे बांग्लादेश के अंदर दूसरे रिक्शा थे, इसके अंदर ये अंकल जी रिक्शा लेके जा रहे हैं, इसको भी ट्राई करेंगे। हेलो नो नेक्स्ट टाइम अंकल जी बोल रहे हैं हमारे साथ बैठ जाओ, बट अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से करेंसी एक्सचेंज करने के लिए। स्पेशली टी शर्ट की क्वालिटी एक नंबर है, कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये देखो ये मिल रहा है यहाँ पर 250 से 350 के बीच में, और क्वालिटी एक नंबर है इन सब की, ये एक नंबर। हैंडबैग वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोग लेके जाएंगे। 17,000 जैन लिखे हुए हैं उसके ऊपर, तो मतलब 300-300 रुपये, 600-900 रुपये में वो दे रहा था। ओ ये फॉरेनर्स को घुमाने के लिए है। और यहाँ पर एक और महंगी सी गाड़ी आ गई है, मर्सिडीज। और ट्रैफिक देखो जैसे इंडिया के अंदर चलता ना, सेम टू सेम वैसे ही ट्रैफिक चल रहा है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर हसल बसल है, हद है, कोई ट्रैफिक का सिस्टम इतना ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं चलता, जहाँ जिसका मन है बस घुस जाओ, घुस जहाँ मन है उधर निकल लो। हाँ बोलो बोलो, कौन सी ये तो ट्रैवलर्स के लिए है, हम लोग तो नहीं, ये टूरिस्ट के लिए है, हम लोग ट्रैवलर्स है ना। ये कोई चौक आ गया, चौक पे कुछ ऐसा सीन रहता, यहाँ पर ना छोटे छोटे चौक बहुत बने हुए हैं।
सिटी में काफी छोटी छोटी ऐसी ना पुरानी सी बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में छोटी छोटी जो कि ओल्ड है बहुत ज्यादा, मतलब ये एंशियंट सिटी है वियतनाम की। और इधर की साइड देखोगे तो एक आई थिंक बुद्धिस्ट टेम्पल है, तो इसके अंदर काफी सारे लोग हैं, मतलब इसके अंदर कोई वैसा नहीं है कि ऐसा वैसा जाना है। यहाँ पर देखो अंदर टेम्पल कितना खूबसूरत बना हुआ है, बुद्धिस्ट टेम्पल है, बेल्स वगैरह है सारा, कितना खूबसूरत है। अभी एक दुकान पे आए हैं सिम वियत कैम सिम वियत कैल वियत कैल की लेना जब भी आओ अगर आप लोग इधर, वियत कैल इज द बेस्ट। हाँ जब भी आप वियतनाम के अंदर आते हो तो वियतटेल की सिम लेना, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट चलती है क्योंकि हर छोटी छोटी गांव हो गया सब जगह चलेगी। इधर ऑटोमेटिक शटर है यार, ऑटोमेटिक खुल रहा है। हेलो हेलो, ये लेडी हमको हेल्प कर रही है। हेलो सिम ओके 250 डोंग के अंदर सिम दे रही हैं। 250 डोंग नमस्ते एंड एवरीथिंग। Okay. I have a lot of tourists from Mumbai who fly to Vietnam. So tomorrow I have a group for 50 people come. Oh. We also love Vietnam. That's why we came. I love Vietnam. I love India. Okay. 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 Thank you. Okay. So अभी सिम ले लेते हैं, इनको 250 डोंग दे देते हैं। One or two. Two cents. The data is like 5 GB per day. And there is one sim like they are also giving me at airport, it's 8 GB. That is different. Well, this is your last sim about $15. Oh, that's expensive. Expensive. Oh, okay. Small markets, tribal areas in north. All right. Yeah. Okay. Ma'am, village areas need good network. This sim. Sure. Because I'm going. So अभी इनको देते हैं निकाल के अपने डोंग। और हाँ यार, मैंने अभी ना करेंसी एक्सचेंज करवाई थी वहाँ से, तो $100 का हमको 23 लाख कुछ डॉन्ग मिला था, तो अभी इसमें से ये इनका 5 लाख का नोट देखो यार कैसा है, इनका ना बिल्कुल कनाडा जैसा है यार। करेंसी इज ऑल्सो वेरी गुड क्वालिटी, हाँ लाइक कैनेडियन और अमेरिकन। नाइस टू मीट यू। हाँ तो ये लेडी ने हमको काफी कुछ बताया। नमस्ते, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। ओके तो सिम ले ली हमने, ये इसके पीछे मेरे को जियो की सिम लगा दी मेरी, और 2.5 लाख की सिम पड़ी है। 2.5 लाख कितना हो गया, 750 रुपये के आसपास पड़ा है। तो इसके अंदर 5 GB इंटरनेट में, ओ चालू करके दिया सिम, ये भी नहीं पता। नहीं वो बोलिए मेरे को कैसा करने का। इसका शॉप का लोकेशन डाल के चलते हैं अभी, फोटो निकाल के। हाँ तो इसके आसपास का लोकेशन चेक करो कितना खूबसूरत है। और खाने पीने का मार्केट पीछे लगा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ खाने पीने का। पहले जिस अंकल जी पे हम लोग गए थे सिम लेने के लिए, वो अंकल जी सिम दे तो सही रहे थे, लेकिन भाई को लगा कि थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि 750 रुपये बहुत होते हैं। बट ऐसा मैंने 3-4 कंट्रीज ट्रैवल करी है तो मेरे को पता है 750 रुपये में ही मिलेगा नेट। खाने में यहाँ पर ज़्यादातर यार फूड ना थोड़ा अटपटा सा मिलता है, यहाँ पर बीफ हो गया, और उन दुकानों पर हमारा मन नहीं है। तो हमको एक शॉप मिली है जो कि है राइस बफेट करके, तो राइस वगैरह जो हम लोग उसको खाते हैं यार, क्योंकि इसी के बिना मतलब राइस के ऊपर ही डिपेंड हो सकते हैं। और तो यहाँ पर खाना रोटी सब्जी तो कुछ मिलने नहीं वाला, राइस है तो राइस खाते हैं। ओके इधर राइस वगैरह है वो खाना पड़ेगा, वैसे यहाँ पर वैसे दूसरा भी चीज़ है राइस विथआउट बीफ एंड पोर्क चिकन और लाइक दिस फ्राइड राइस। एक तो यार इनके कुछ सिस्टम ऐसा है यार, इसमें भी मीट वगैरह मिक्स है सारा के सारा यार। तो वहाँ पर राइस पूछने के बाद राइस में यार उनका मिला नहीं, क्योंकि वो बीफ वगैरह दे रहे थे, बीफ वगैरह हम खाते नहीं हैं। तो ये वाली शॉप पे आए कुछ बिन चाओ बिन कॉम करके, यहाँ से चावल लिए, उस डिब्बे के अंदर चावल है, ये इसके अंदर चावल है, ये चावल लिए, और यहाँ से थोड़ी बहुत सब्जियाँ हैं नीचे, सब्जियाँ डलवाई हैं। और अभी मैं यहाँ से जो है थाली ली है वो दिखा देता हूँ मैं, कौन सी वाली थाली ली है। 20,000 की थाली है, 10,000 का पानी, ओवरऑल 40,000। और ये बताऊँ अगर तो घाटा है मेरे को ही, क्योंकि मैं ही ले रहा हूँ, भाई ने लिया नहीं, भाई को तो खाने का मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी। और ये है कुछ ऐसा सैलेड टाइप का ले लिया, ये राइस है, ये 10,000 की है, 10,000 मतलब 3,500 रुपये की,
और 30,000 मतलब ऑलमोस्ट 150 से ऊपर का है, 150 से ऊपर का इतना सिंपल खाना बहुत मुश्किल से भुना है और सारे लोग ऐसे बैठ के खा रहे हैं और एक सूप टाइप का दे दिया है। और इन अंकल जी के थाली में देखोगे तो ये कुछ कीड़े टाइप के रखे हुए हैं और कुछ है तो ऐसा है ये सारा का सारा। अभी इसको खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। वो भी है मेरे को ना टेस्ट इसका 10 में से 3 नंबर देने का है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देने का। आप कितने दोगे इसको? 0 दोगे ये भाई साहब? 0 देंगे मेरे को। देख कुकुम्बर हो गया, सलाद हो गया, सारा मिक्स करके खाना पड़ रहा है। जो भी है देखो ये आलू पता नहीं मिक्स करके डलवा लिए सारे कुछ। अभी बस चलने दो इनको, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। पंजाब में थार फेमस है, यहाँ की इन्होंने वियतनामीज बना रखी है थार। तेजी चल रही है इनकी। अभी सिम करिए, सिम नहीं चालू हुई यार। आवर सिम इज नॉट वर्किंग। No, we tried, like there is no net. तो no internet is working. तो internet not working. No. Show me. मैं इनको दिखा देता हूँ। सिम चल गई है और सिम में कुछ दिक्कत थी क्योंकि सिम जो वाली पहले डाल के दी थी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि वो ओल्ड सिम थी, पूरा नेट ही नहीं चल रहा था। तो अभी उन्होंने सिम बदल दी है और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ की जो एक वेजिटेबल मार्केट टाइप की है उसको देखने के लिए। फ्रूट मार्केट एक्चुअली है तो फ्रूट वगैरह बेच रहे हैं यहाँ पर काफ़ी। ओए अंगूर देखो कितने बड़े बड़े हैं, अंगूर देखो कितने बड़े हैं। अंगूर काफ़ी तगड़े तगड़े हैं और यहाँ पर ना काफ़ी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एग्जॉटिक मार्केट्स भी हैं। जैसे कि ये तो सब्जियों की है बट आपको जो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो देखने को मिलेगी वो कल आएगी, मतलब इसके नेक्स्ट डे में, एग्जॉटिक मार्केट की। मतलब उसके अंदर सब कुछ आपको वो दिखाया जाएगा जो पूरी दुनिया में कोई नहीं खाता बट इधर की साइड में खाते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं मतलब अलग ही अलग। और ये पता नहीं क्या है यार, ये भी कुछ है यार डिफरेंट। ये ड्रैगन फ्रूट थोड़ी है, कुछ डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट सा है। व्हाट इज़ दिस? क्या हाउजियांग? ओके फ्रूट वेजिटेबल फ्रूट। अरे कटहल तो नहीं है? ओके सिंचाओ।